समस्थानिक है। ठीक है, समस्थानिक में क्या होता है कि जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु, ठीक है, तो पहले समझ लीजिए तो लिखिएगा। पहले कह रहा है कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो समस्थानिक में क्या होता है, परमाणु संख्या एक ही होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर कार्बन लेते हैं, क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कार्बन ले लिया, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, छ, इसके द्रव्यमान संख्या क्या होता है, 12 होता है ना। तो परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 12 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसके अगर कार्बन के परमाणु संख्या 6 ही हो और इसके परमाणु द्रव्यमान हो जाए कितना, 14 हो जाए, तब इसका यह कथी हुआ, समस्थानिक हुआ। कथी हुआ, समस्थानिक हुआ। परमाणु संख्या नहीं बदलना चाहिए, क्या नहीं बदलना चाहिए, परमाणु संख्या नहीं बदलना चाहिए, परमाणु संख्या हर हाल में उतना ही रहना चाहिए जितना है। देख लीजिए 6 के 6 है कि नहीं है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल जाए तब उससे हम कभी कहेंगे समस्थानिक कहेंगे, कभी कहेंगे समस्थानिक कहेंगे। जैसे देखिए हाइड्रोजन है, कथी है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, इसके द्रव्यमान संख्या भी 1 है। एक और होता है हाइड्रोजन का ही होता है परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, हाइड्रोजन का ही होता है परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3, ठीक है। तो देखिए इसका एक होता है यहाँ हो गया कि ये हो गया, यहाँ देखिए परमाणु संख्या सबका सेम है कि नहीं है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, द्रव्यमान संख्या बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, तो सभी का द्रव्यमान बदल गया। ठीक है, इस तरह से इसमें जो होता है चेंज आता है, तो परमाणु संख्या सेम रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे हो जाएगा, बदल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो और परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, तब उसे हम कैसे कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, कैसे कहते हैं, समस्थानिक। तो डिफिनेशन लिख के रख दीजिए, लिख दीजिए, एक ही तत्व के एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। अब देखिए आखिर मतलब क्या होता है, देखिए आखिर ऐसा होता क्या है कि कोई परमाणु समस्थानिक का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन कब होता है, आखिर ऐसा कोई कंडीशन आता होगा तबे ना जी, अगर कोई आदमी नालायक कब बनता है, किसी ने उसको सताया होगा तब ना, आखिर वो नालायक पैदा हुआ था, कोई इंसान खराब पैदा नहीं होता, वह किसी ना किसी कारण से वह नालायक जन्म लेता है। ठीक है, नालायकी तो धरती पर लोग इंसान लोग जन्म लेता है, क्योंकि वह इंसान पहले से तो अच्छे आदमी रहता है, लेकिन उसको दुनिया बदल देता है अपने हिसाब से, तो वह बदल जाता है दुनिया के हिसाब से, है ना, तो वह सिचुएशन अलग है। तो इसी तरह से कोई ना कोई खास रीजन रहा होगा तो इस जिसके कारण से समस्थानिक का निर्माण होता है। अब देखिए क्या होता है, क्या है, तो परमाणु संख्या में क्या होता है, परमाणु संख्या में न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, कहते बाबू
इलेक्ट्रॉन और बराबर होता है प्रोटॉन, ये दोनों हमेशा बराबर होता है, E बराबर P, E हमेशा बराबर होता है। भिन्न क्या रहता है? तो भिन्न रहता है अलग, मतलब अलग क्या होता है, तो अलग होता है अलग, या भिन्न कहो, भिन्न कहो, ये होता है न्यूट्रॉन। कथी होता है बाबू? न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये भिन्न होता है, समझ में आया? दो सेम होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होता है बाबू? सेम होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है, लेकिन अलग क्या होता है? न्यूट्रॉन। और हम कल बताए थे परमाणु के नाभिक में कथी होता है? नारायण प्रसाद, एन और पी होता है, एन और पी होता है, ये हम बताए थे कल, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन के तो बराबर हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बराबर कथी हो गया? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर आपका हो गया कथी बाबू? प्रोटॉन। बराबर कौन नहीं हो सका? न्यूट्रॉन। कौन नहीं हो सका? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बराबर नहीं होने के कारण कभी इसकी संख्या अधिक हो जाता है, कभी संख्या कम हो जाती है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो इसलिए इसे कभी अधिक होने के कारण और कभी कम होने के कारण उसमें एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम कहते कहते हैं समस्थानिक कहते हैं। तो किसके कम बेस से समस्थानिक का निर्माण हो रहा है? न्यूट्रॉन के कम बेस से समस्थानिक का निर्माण होता है। ये बहुत लोग को बात पता नहीं होता है, याद रखिएगा, न्यूट्रॉन असमस्थानिक ऐसे नहीं बनता है, कभी एक परमाणु के कम बेस होने के कारण ही न्यूट्रॉन में क्या होता है? ऐसे समस्थानी का निर्माण होता है, समझ में आया? तो समस्थानी के किसके निर्माण के चलते हो रहा है? तो न्यूट्रॉन के कारण समस्थानी का निर्माण हो रहा है। जैसे एग्जांपल अब देखते हैं बाबू, क्या देखते हैं? एग्जांपल देख लो, जैसे मान लीजिए कोलरीन है, कथी है बाबू? कोलरीन है, कथी है? कोलरीन। तो कोलरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 17। द्रव्यमान संख्या 35.5, अभी द्रव्यमान समस्थानिक पढ़ा था हम 35 लिख देंगे, ठीक है? दूसरा यहाँ पे हो गया 17, अब इसका समस्थानिक किसका है, तो इसका क्या हो जाएगा? 37। क्या हो जाएगा? 37, ठीक है? तो इसका समस्थानिक हुआ, कोलरीन का कति हुआ? समस्थानिक हुआ ये, इसका परमाणु संख्या कितना हो गया? 37। लेकिन देख ले परमाणु संख्या सेम है कि नहीं है, तो एक हो गया। मान लीजिए दूसरा हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन का अभी आपने देखा एक था और इसका एक था ना, तो इसको प्रोटोनियम बोलते हैं, कभी बोलते हैं प्रोटोनियम, प्रोटोनियम। अब जैसे यहाँ एच देखिए, एच है यहाँ पे, कति है? 2 है, तो इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, कभी बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जैसे यहाँ पर D2O, यही भारी जल का सूत्र है। कौन सूत्र है? इसका सूत्र है बाबू भारी जल का सूत्र है D2O। एक होता है टिटेनियम, ठीक है? यहाँ देखिए H ही होता है H1 यहाँ पे, और यहाँ पे कौन हो जाता है? द्रव्यमान संख्या क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। परमाणु संख्या सबका एक सेम है कि नहीं है, लेकिन द्रव्यमान संख्या बदल रहा है, ये 1 है 2 है यहाँ कथी है 3 है, जिसका नाम होता है ट्राइटियम, ठीक है? देख लीजिए इस तरह से कार्बन को देख लीजिए बाबू, कार्बन के बारे में अभी बताएं, हाल ही फिलहाल में बताएं, कार्बन है यहाँ पे, तो कार्बन क्या क्या होता है? 6, इसका क्या होता है परमाणु संख्या? 12, जिसका समस्थानिक C6H14। अब ये कार्बन डेटिंग है, इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग। अच्छा, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ
लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल, अर्ध किसी भी जीव जंतु के मरे हुए कितना दिन हुआ, कितना दिन वो मरा, कितना दिन पहले मारा, कितना दिन बाद मारा, कितना दिन कितना पुराना है, अगर पता करना हो तो कार्बन डेटिंग यानी कि C14 का ही इस्तेमाल करते हैं। ये सभी वस्तु में इस्तेमाल प्रेजेंट रहता है, हमारे में, आप में, इस पूरे ब्रह्मांड में C14 प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हम बता देते हैं कि सूर्य जितना दिन जिएगा, पृथ्वी का उम्र इतना बरस हो रहा है, इसी के सहारे बताते हैं बाबू, किसी और चीज के सहारे नहीं, इस कार्बन डेटिंग के ही सहारे। डायनासोर आज से कई बरस, कई हजार बरस पहले मर गया, आज कहते हैं कि जितना वर्ष पुराना है डायनासोर, कहते हैं कहाँ से, उस समय बैठे थे काम दादा देखे लिखने के लिए, नहीं ना बताते थे, इसी के कारण बताते हैं। तो यही है अर्ध जीवन काल है, इसका अर्ध जीवन काल हाफ लाइफ पीरियड इसको बोलते हैं। रेडियो काल निर्धारण भी इसी को बोलते हैं, C14 से ही रेडियो काल निर्धारण किया जाता है, ठीक है। रेडियो काल निर्धारण या कार्बन डेटिंग, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल इसी से करते हैं, समझ में आया, तो ठीक है, इसको दिमाग पर रखिए।